हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स, द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थ्री लेवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल इन स्टेट, अबाउट द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मेंबर ऑफ द स्टेट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था इंडिया इज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कंट्री। उसके बाद उस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, यानी इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टेट गवर्नमेंट, वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कैसे स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। इन इंडिया देर आर थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में थ्री लेवल की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। इस लोकल गवर्नमेंट को आपने क्लास सिक्स में पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था ग्राम पंचायतें, फंक्शन ऑफ सरपंच, जिला परिषद एंड BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्लास सेवन में आप लोग पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, और जब क्लास एट में जाएंगे तब आप लोग पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द थ्री ब्रांचेज हैं इसमें। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो फोकस ऑन द लेजिस्लेटिव। इन अ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटर इज द बॉडी दैट मेक्स लॉ। लेजिस्लेटर का काम क्या होता है? कानून बनाना। द लेजिस्लेटर इन स्टेट यूजली कंसिस्ट ऑफ टू हाउस। लेजिस्लेटर जो स्टेट में है उसमें दो हाउस होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। तो फर्स्टली हम फोकस करेंगे विधानसभा पर। द विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस। ये लोअर हाउस है, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली। इसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाई द पीपल ऑफ द स्टेट इन असेंबली इलेक्शन। जब असेंबली इलेक्शन होता है तो उसमें उस स्टेट के लोग जो होते हैं वोट देते हैं, जिनकी उम्र कितनी होती है? अबव 18 ईयर। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उन्हें बोला जाता है MLAs। ईच एम एल ए रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर MLA की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, और इससे प्रीवियस चैप्टर में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। स्टेट असेंबली इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है, और सेंट्रल जो इलेक्शन होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है। द पार्टी विच विन मेजोरिटी, जो पार्टी मेजोरिटी में जीतती है यानी मोर देन हाफ सीट जीत जाती है, फॉर्म द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है एंड कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, उसी को रूलिंग पार्टी बोला जाता है। वाइल द अदर मेंबर फॉर्म द अपोजिशन, और जो मेंबर जिनकी पार्टी नहीं जीतती है वो अपोजिशन में बैठते हैं। द विधानसभा हैज़ ए टर्म ऑफ 5 ईयर। विधानसभा का टर्म कितने साल का है? 5 साल का, यानी हर 5 साल बाद जो है इलेक्शन होता है। अब आते हैं विधान परिषद। विधान परिषद इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है और विधान परिषद को काउंसिल। दिस इज द अपर हाउस। ये कौन सा हाउस है? अपर हाउस है, और विधानसभा कौन सा था? लोअर हाउस था। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इसके मेंबर को हम लोग नहीं चुनते हैं, हम वोट देने नहीं जाते। इनको कौन चुनता है? बाय द मेंबर ऑफ विधानसभा। विधानसभा के लोग चुनते हैं, लोकल बॉडीज, हाई स्कूल टीचर्स एंड द ग्रेजुएट्स इन द स्टेट। सम मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और कुछ मेंबर को गवर्नर भी नॉमिनेट करते हैं। अ मेंबर ऑफ द विधान परिषद होगा, यहाँ सभा में स्प्रिंट हो गया है। विधान परिषद इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं 6 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। नॉट ऑल स्टेट हैव विधान परिषद। सभी स्टेट में विधान परिषद नहीं है। एज ऑफ 2018 ओनली 7 out of 29 स्टेट हैव अ विधान परिषद। 29 जो हमारी स्टेट हैं उसमें से सिर्फ 7 स्टेट में ही विधान परिषद है। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन सर्च करेंगे कि कितने कौन कौन से वो स्टेट हैं जहाँ विधान सभा और विधान परिषद दोनों है। तो विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेचर विद वन हाउस, जिन स्टेट में एक हाउस है यानी सिर्फ विधानसभा है उन्हें यूनिकॉमरल बोला जाता है। और वाइल दोज विद द टू हाउस, जहाँ पर दोनों हाउस है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, उन्हें बायोकैमरल बोला जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एनफोर्स द लॉ।
लेजिस्लेटर का काम क्या होता है, मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इन्फोर्स द लॉ, यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कानून को लागू करना, एक्शन में लाना, जो कानून बना है मेड बाय द लेजिस्लेटर, कानून जो बनाई है लेजिस्लेटर उसको एग्जीक्यूटिव लागू करती है। इट कंसिस्ट, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। गवर्नर इज ओनली द नॉमिनल हेड, सिर्फ नॉमिनल हेड है वो, और डायरेक्ट सेज इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, डज नॉट हैव अ डायरेक्ट, वो डायरेक्ट फंक्शन नहीं करता है। ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, और कितने साल के लिए, एंड होल्ड ऑफिस फॉर अ 5 ईयर पीरियड, 5 साल के लिए। द लीडर ऑफ द पार्टी विच क्लेम मेजोरिटी, जिस पार्टी, जो पार्टी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा संख्या में जीतती है, मेजोरिटी में होती है, वही इन असेंबली इज अपॉइंट द चीफ एज द चीफ मिनिस्टर, उसी पार्टी का जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है। चीफ मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट, आप लोग याद रखिएगा, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड चीफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट, यानी रियल में यही फंक्शन करता है। अब आते हैं जुडिशरी, द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू इंटरप्ट द लॉ, ये लेजिस्लेटिव कानून मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ, और जुडिशरी जो होती है वो देखती है कि कहीं झगड़ा तो नहीं हो रहा है, कानून सही ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेटल डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, और जो लोग लॉ को ब्रेक करते हैं उनको पनिश भी करती है। द हाइएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट इज द हाई कोर्ट एंड हेडेड बाई द चीफ कोस्ट चीफ जस्टिस सॉरी ची हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट जो होता है वो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, सेटल डिस्प्यूट, झगड़ों का निपटारा करवाता है, पनिश लॉ ब्रेकर्स, और जो कानून तोड़ते हैं उनको पनिश भी करता है। फिर इसके बाद हाई कोर्ट के अलावा बहुत सारे कोर्ट भी हैं, हाई कोर्ट में सेवरल सबॉर्डिनेट कोर्ट भी हैं, जैसे कौन कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, प्रोविंशियल कोर्ट है, न्याय पंचायत है। अब वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, द थ्री बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क टुगेदर टू रन द गवर्नमेंट, ये तीनों मिल करके ही गवर्नमेंट को चलाती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिशरी एंड जुडिशरी। आफ्टर द इलेक्शन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली आर हेल्ड, द गवर्नर इन्वाइट द पार्टी दैट वॉन द मेजोरिटी ऑफ द सीट टू फॉर्म गवर्नमेंट, जो पार्टी इलेक्शन में जीतती है गवर्नर उसी पार्टी को बुलाता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, एंड अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी एज चीफ मिनिस्टर, उस पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अ फ्यू पीपल फ्रॉम हीज और हर पार्टी टेक ऑन द रोल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो होता है अपनी पार्टी से कुछ लोगों को चुनता है मिनिस्टर के लिए, आर फॉर्मली अपॉइंटेड बाई द गवर्नर, टूगेदर द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जो उसके मिनिस्टर हैं ये लोग मिलकर के एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करते हैं, और हर मिनिस्टर का अपना एक पोर्टफोलियो यानी अपना एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, एडुकेशन मिनिस्टर, और फिर ये सभी जो मिनिस्टर होते हैं ये कहलाते हैं मिला करके मेम्बर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द काउंसिल लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ये काउंसिल जो होता है अपने उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस ढंग से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट्स कहीं सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये लोग डे टू डे देखते हैं। एडवाइज द गवर्नर ऑन इम्पॉर्टेंट इशू, गवर्नर को एडवाइस भी देते हैं कई इंपॉर्टेंट इशू पर, एंड पॉलिसी डिसीजन भी लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होते हैं ये लेजिस्लेटिव के लिए आंसरेबल होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये आप लोगों को क्वेश्चन भी है पीछे, चीफ मिनिस्टर के क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट है चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर इसके बाद एज सच हीज और हर डिसीजन ऑन द रनिंग ऑफ द स्टेट आर फाइनल, उसी के डिसीजन पर जो है स्टेट जो होती है रन करती है, गवर्नमेंट जो होती है चलती है। चीफ मिनिस्टर द हेड ऑफ
रियल हेड है, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ एक्चुअल हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एलोकेट्स करता है पोर्टफोलियो अपने मिनिस्टर को, यानी हर मिनिस्टर का अपना अपना डिपार्टमेंट दे देता है। ऑल द पॉलिसी प्रोग्राम एक्टिविटीज़ ऑफ द काउंसिल आर मॉनिटर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। हर पूरे पॉलिसी प्रोग्राम हर चीज़ को कौन चेक करता है, चीफ मिनिस्टर चेक करता है। इफ़ द चीफ मिनिस्टर रिजाइन द काउंसिल हैज़ टू रिजाइन टू, अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन दे देता है तो काउंसिल भी सम है रिजाइन दे देता है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो फंक्शन एज द एडवाइज़र टू द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर के एडवाइज़र के रूप में भी काम करता है। ही और शी हैज़ टू कन्वे ऑल द डिसीजन टू द काउंसिल टू द गवर्नर। सो द स्टूडेंट आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।